नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देसी जानकारी ब्लॉग, और देसी जानकारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिजली क्यों गिरती है, जो आकाशीय बिजली होती है वो क्यों गिरती है। तो आइएगा दोस्तों, हम बड़े ही विस्तार से इस जानकारी को आप तक साझा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे देसी जानकारी ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं बिजली क्यों गिरती है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार 1872 में बिजली चमकने का सही कारण बताया था। बिजली की प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटा रास्ता चुनती है। आइए जानते हैं ये क्यों गिरती हैं। बरसात के दिनों में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आते रहते हैं। इसकी तेज़ गड़गड़ाहट से हर कोई सहम जाता है। आसमान में जब बिजली कड़कना शुरू होती है ना, तो मन में बस यही डर रहता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे घर के आसपास ना गिर जाए। कभी कभी जब लोग घर से बाहर होते हैं और मौसम ख़राब हो जाता है, तो वे अक्सर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, मैं तो मना ही करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि बिजली कहाँ गिर सकती है, तो आइए ये भी बता देता हूँ। जब बिजली गिरती है ना, तो अक्सर जानलेवा साबित होता है। बिजली गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा खेतों में काम करने वाले इंसानों पर, पेड़ों के नीचे खड़े होने वाले लोगों पर, तालाब में नहाते समय, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सुनने वाले व्यक्तियों पर ज़्यादा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचती है। और हाँ दोस्तों, पेड़ और खंभे के आसपास रहता है खतरा, वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए आपको। बिजली की प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटा रास्ता चुनती है। ऐसे में जब वो आसमानी बिजली ज़मीन की ओर आती है ना, तो बिजली के ऊँचे ऊँचे खंभे से टकरा कर मुहैया करने का काम करती है। इसीलिए बिजली के खंभों के आसपास बिजली ज़्यादा गिरती है। और बिजली कड़क रही है तो सबसे सेफ आपका घर है। अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इसी स्थिति में बिजली गिरने के अलावा तूफान में पेड़ के टूटने का भी खतरा रहता है। दोस्तों, बिजली कब गिर सकती है, आपको कैसे महसूस होगा? तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि अगर बिजली गिरने की संभावना होगी तो आपको किस तरीके की फीलिंग होगी। अगर आसमान में बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाए और त्वचा में झुरझुरी सी महसूस होने लगे, तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लेना चाहिए और अपने सर को कानों और हाथों से ढककर नीचे बैठ जाइएगा। ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बिजली आपके आसपास ही गिर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, हमने आपको बिजली क्यों गिरती है, उनके बचने का उपाय पूरे विस्तार के साथ में आपको जानकारी दी। तो ये दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बारिश का समय है, आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।